विराम के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं पांचवें चरण के चुनाव में जो 7 राज्यों के 51 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं खूंटी सुरक्षित क्षेत्र की, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 11 है। यहाँ की आबादी अगर देखी जाए तो 11,11,852, महिलाओं की संख्या यहाँ पर 5,46,308 है और पुरुषों की संख्या जो मतदाता है 5,65,540। यहाँ की लिटरेसी जो है 76.6% है, जो कि काफ़ी अच्छी है झारखंड के परिवेश से। अब इसके बारे में थोड़ा बता दें कि यहाँ पे वर्तमान सांसद करिया मुंडा हैं, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया क्योंकि 8 बार के वो सांसद रहे हैं, टाइम टू टाइम वो जीतते आए हैं और उनके जगह पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया गया है और कांग्रेस या यूपीए समर्थित अगर कहा जाए वहाँ के प्रत्याशी हैं कालीचरण मुंडा हैं। अब यहाँ पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय नहीं है, यहाँ पे सीधी सीधी लड़ाई यूपीए और एनडीए के बीच में है। अब किस तरह से यहाँ पे चुनाव होगा, क्योंकि ये इलाका पलायन के लिए माना जाता है, विस्थापन के लिए माना जाता है और नक्सल प्रभावित तो है ही, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उठ करके आई है वो पथलगड़ी का मामला है। इन चारों विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सबरंग समाचार के एडिटर इन चीफ हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो ये जो खूंटी का जो क्षेत्र है सुरक्षित क्षेत्र है और इनके आसपास जो विधानसभा है वो भी सुरक्षित है, यहाँ की लड़ाई कैसे देखते हैं? देखिए, खूंटी का मामला थोड़ा दूसरा हो जाता है। खूंटी जब हम बातचीत करते हैं तो कई चीज़ें आती हैं, खास करके करिया मुंडा जो लंबे समय से वहाँ पर राजनीति कर रहे थे और माना जा रहा था कि करिया मुंडा का एक अपना अस्तित्व है, बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता था वो, कि बीजेपी में अगर करिया मुंडा है तो बीजेपी है, ऐसा उस इलाके में जाना जाता था। फिलहाल करिया मुंडा को टिकट नहीं दिया गया, कारण बना उनका एज फैक्टर जी। उस एज फैक्टर के तहत उनको वहाँ पे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जब करिया मुंडा को टिकट नहीं दिया गया तो वहाँ एक कदावर नेता को टिकट दिया बीजेपी ने, वो अर्जुन मुंडा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेताओं में जाने जाते हैं बीजेपी के, झारखंड के अगर हम चर्चा करते हैं तो बड़े नेताओं में माने जाते हैं, यानी कि उनका भी कद काफ़ी बड़ा माना जाता है। और उस इलाके में जिस बात को लेकर चर्चा चलती है कि अमूमन कहा जाता है कि खूंटी का इलाका जो होता है वो मुंडाओं का है, तो खूंटी के इलाके में करिया मुंडा के बाद अर्जुन मुंडा को लाया गया, यानी कि उसका भी ध्यान बीजेपी ने रखा है। और आपने जिस तरीके से मुद्दों की बातचीत की, तो कई मुद्दे हैं वहाँ पर, फैक्टर्स बहुत सारे हैं। खूंटी ऐसा इलाका है जहाँ पर पहले ही लोग खूंटी और उस आसपास का एक इलाका, खूंटी जो लोकसभा का क्षेत्र है काफ़ी बड़ा इलाका है, आपको सिमडेगा तक चला जाता है, सिमडेगा की हम चर्चा करेंगे, वहाँ पे विस्थापन पलायन का मुद्दा रहा है, खूंटी में नक्सलवाद का मुद्दा रहा है। खास करके सबसे बड़ी बात जो बार बार इस बार चुनाव में जो फैक्टर बनकर आएगी खूंटी इलाके के लिए, वो आपने जो लास्ट में जिक्र किया पथलगड़ी का मुद्दा, पथलगड़ी का मुद्दा सिर्फ पथलगड़ी का मुद्दा नहीं है, पथलगड़ी एक पार्ट ऑफ कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सामाजिक व्यवस्था के तहत उस इलाके के आदिवासियों के तरफ से की जाती रही है। पथलगड़ी कोई विवादित विषय नहीं मानता, मेरे नज़र में नहीं है, उसको विवादित बना दिया गया है। उस मुद्दे पे भी चर्चा होगी और बातचीत होगी, मुझे लगता है कि इस बार जो लोग होंगे वहाँ पे वो इस बात का ज़रूर जिक्र करेंगे अपने नेताओं से जिनको वोट लेना है, कि आखिर खूंटी जैसे इलाके में आप चुनाव में वोट चाहते हैं तो क्या प्रावधान हो सकता है, क्योंकि सबसे चर्चा का विषय यही बनेगा कि पांचवी अनुसूची के तहत जो कुछ प्रावधान निहित हैं, निर्धारित हैं, उस इलाके में लागू हो रहा था या नहीं हो पा रहा था, लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल उस इलाके के तमाम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं और बहुत करीब से देख भी रहे हैं, तो वहाँ एक बात इस बात की चर्चा है। अभी हाल के दिनों में अर्जुन मुंडा ने इस बात को लेकर अपने भाषण में भी जिक्र किया था कि आदिवासियों को संरक्षित रखने के लिए उनकी जो संस्कृति है, उनका जो समीकरण, खास करके उनका जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बचाने के लिए उनकी तरफ से लगातार प्रयास भी किए गए हैं और आगे भी प्रयास किए जाते रहेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री के काल में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और सोचा था कि कहीं ना कहीं उसको संरक्षित रखा जाएगा, तो ये एक बड़ा मुद्दा साबित होने जा रहा है। और गांव में हाल के दिनों में जिस तरीके से पथलगड़ी को
विवादित किया गया, चाहे वो जन पब्लिक की तरफ से किया हो, प्रशासन की कहीं चूक हो या फिर सरकार के लोगों की चूक हो, कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही थी जिसको लेकर उसे संभालना मुश्किल हो रहा था और पत्थलगड़ी के मुद्दे को दूसरे रूप में डाइवर्ट कर दिया गया। तो वो जो डाइवर्सन हुआ, उस डाइवर्सन को सही दिशा में लाने की का प्रयास कौन करेगा? अब अर्जुन मुंडा के साथ साथ कालीचरण मुंडा, जो कालीचरण मुंडा उस इलाके के नेता रह चुके हैं, वे उस इलाके में लोकप्रिय हैं, लोगों को जानते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो वहाँ पे भी जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प होगा और मुझे लगता है कि सीधी टक्कर कही जा सकती है अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच है। और पिछले चुनाव की थोड़ी चर्चा कर लें तो बीजेपी के प्रत्याशी कड़िया मुंडा को 270,000 के लगभग वोट मिली थी, वहीं एनओसेक का उस समय सक्रिय थे दूसरे स्थान पर झारखंड पार्टी के रूप में, और कालीचरण मुंडा जो उस समय भी खड़े थे कांग्रेस से ही खड़े थे, उन्हें लगभग 1.5 लाख वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी भी परिस्थितियाँ एकदम से सही सही आकलन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस बार विपक्ष के रूप में जो सरकार और विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष के रूप में महागठबंधन के रूप में कालीचरण मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं और उसका फायदा उनको बाकी लोगों का भी मिलेगा, यानी कि हो सकता है कि एनओस का भी मिल जाए। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, क्योंकि एनओस से का फिलहाल चुनाव में खुलकर सामने नहीं, क्योंकि अभी वो राजनीति में वो पूरी तरह से अभी नहीं है। आजसू बीजेपी के साथ मिली, आजसू फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए आजसू ने भी चुनाव लड़ा था, नियल तिर्की वहाँ से चुनाव लड़े थे, ठीक है, और आजसू का भी वहाँ एक वोट बैंक है, लगभग 30,000 के आसपास वोट वहाँ पे आया था आजसू को भी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किधर जाएगी, हालांकि अभी तुरंत फिर मैं कहूँगा कि चुनाव का एकदम करीब है, वोट देने के लिए लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और ऐसे मौके पे कई चीज़ें खुलकर बोलना संभव भी नहीं है और बोलना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम लोग मुद्दों पर आकलन कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर जाएंगे, प्रत्याशी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि वे, उनको भी जानकारी है कि किन मुद्दों को लेकर वे अब तक प्रचार किए हैं। जनता सबसे पहले देखना चाहेगी, वोटर देखना चाहेगी कि कौन इस, खास करके मैं बार बार कह रहा था कि देश को मजबूत करने के लिए लोग सोचेंगे, खूंटी इलाके में थोड़ा इससे थोड़ा अलग होगा, आप देखिएगा कि खूंटी इलाके में लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी नजर आएंगे और उसमें कौन उन लोगों को संरक्षित कर सकता है, विस्थापन रोक सकता है, पलायन रोक सकता है, रोजगार मुहैया करा सकता है, जो माइंस मिनरल्स की स्थिति बनती जा रही है, आपको पता होगा कि उस इलाके में सोने की खदान की बात आई है, तो उन चीज़ों को कौन आगे संरक्षित कर पाएगा, कौन उस इलाके को उस खदान को लेकर विकास की बात कर जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर जो बातचीत करेगा जनता के हित में बातचीत करेगा। और पाँचवीं अनुसूची, मैं पत्थलगड़ी की चर्चा नहीं करूँगा, पाँचवीं अनुसूची के तहत जो कुछ प्रावधान हैं उस इलाके में कैसे लागू होगा, इस पर अगर ठोस रणनीति के तहत बात करेगा उसको वोट मिलेगा। चलिए, तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव है ये सीधी सीधी सामने की टक्कर है, यानी कि यूपीए और एनडीए कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के लोग की जो लिटरेसी परसेंटेज है वो 76% है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपना सोच समझ के ही चुनाव करेंगे। तो मैं अपने दोनों एपिसोड जो है उसमें भी मैं कहता आया हूँ कि आप अगर मतदाता हैं तो घर में नहीं बैठिए, अगर आपका एक वोट आपके प्रत्याशी को विजयी बना सकता है, आप मतदान जिसे भी करना है करें, लेकिन मतदान जरूर करें। फिलहाल यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा सीट के बारे, छोटे से ब्रेक के बाद।